वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी आप पे देखने वाले। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक की बात की जाए तो आज आप गिरावट फिर से देखने को मिले। तकरीबन 90 लेवल पे ट्रेडिंग कर रहा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक। आज के दिन में 4 पॉइंट की गिरावट यानी कि 4% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिले अभी तक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक में। यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक की बात की जाए तो आज गैप डाउन से ओपन हुआ था। फिर जो क्लोजिंग थी 94 लेवल के ऊपर की, पर आज गैप डाउन से ओपन हुआ। गैप डाउन से ओपन होते ही यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, पर नीचे 90 लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक करंटली 90.05 पे ट्रेडिंग कर रहा है। यानी कि आज ओपन हुआ था 93 लेवल पे, हाई बनाया था 93 का और लो है 90.10 का। मार्केट कैप भी 37,000 करोड़ के ऊपर है क्योंकि मार्केट कैप में भी गिरावट देखने को मिले पिछले 1 वीक में। और यहाँ पे पी रेशियो देखा जाए तो 2.81 का है, डिविडेंड यील्ड है 7.21% का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले 5 दिनों की भी बात देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में करीबन 8% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिले। और 1 मंथ की बात की जाए तो 1 मंथ में 18% से ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, तकरीबन 20 पॉइंट की गिरावट हो चुके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक का चार्ट एनालिसिस भी देखा जाए तो कल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 94 लेवल पे सपोर्ट ले रहा था, पर जैसे उस 94 लेवल का सपोर्ट ब्रेक किया आज गैप डाउन से ओपन हुआ तो और गिरावट देखने को मिली। और मंथली जो सपोर्ट वन था तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते 90.60-70 लेवल के करीब, उसको भी अभी रिसेंटली ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट है मीन्स यहाँ पे और गिरावट होने के चांसेस है। और तकरीबन पहले लो बनाया था तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते लास्ट मंथ 2 महीने पहले 85 के करीब, तो वहाँ तक जाने के चांसेस है। और सपोर्ट 2 भी यहाँ पे आप देख सकते 84-85 के करीब है, तो वहाँ तक जाने के चांसेस ओपन रहेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक के लिए। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आप देख सकते स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक के लिए।